और श्रावस्ती जनपद में आगामी लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए पटना खरगोरा स्थित एसएसबी 62वीं वाहिनी कार्यालय में जिलाधिकारी कृतिका शर्मा, पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया, एसएसबी कमांडेंट आर के राजेश्वरी, नेपाल देश के सीडीओ बाके श्रवण के पोखरियाल, सीडीओ डांग रामबंधु सुवेदी, एसपी डांग राम बहादुर केसी, एसपी बाके की उपस्थिति में इंडो नेपाल समन्वयक बैठक संपन्न हुई। बैठक में नेपाल साइड के बाके व डांग तथा जनपद श्रावस्ती के वरिष्ठ प्रशासनिक पुलिस एसएसबी वन कस्टम सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए नेपाल साइड के अधिकारियों के सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने बताया कि जनपद श्रावस्ती की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत नेपाल लगभग 62 किलोमीटर है। भारत देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर थाना मल्लीपुर एवं थाना सिरसिया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के सीमावर्ती मार्ग एवं स्थानों पर चेक पोस्ट बैरियर पड़ोसी नेपाल राष्ट्र द्वारा लगाया जाना आवश्यक है, जिससे निर्वाचन को सकुशल एवं व्यवस्थापूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में राजस्व वन पुलिस एसएसबी की संयुक्त टीम गठित कर नियमित गश्त की कार्रवाई की जाए। मतदान के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 48 घंटे पूर्व भारत नेपाल की सीमा को सील कर दिया जाए और तिथियों का प्रचार प्रसार कराया जाए, जिससे आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। भारत व नेपाल साइड के अधिकारियों को सुझाव दिया गया कि चुनाव के समय सीमावर्ती जनपदों में शराबबंदी को कड़ाई के साथ लागू किया जाए, जिससे नेपाली शराब व शस्त्र इत्यादि के आने पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए नो मैंसलैंड एरिया से सटे हुए क्षेत्रों के प्रिवेंटिव एक्शन को कड़ाई से लागू करने का सुझाव दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आवागमन के सभी मार्गों पर संयुक्त रूप से विशेष चौकसी बरती जाए। बैठक में नेपाल साइड की ओर से मौजूद अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।